नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज, जिसमें हमने लास्ट टाइम में ट्रेड पे बताया था मेथड ओवरराइडिंग का, और आज हम बात करेंगे ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडलिंग के बारे में कि क्या होता है और इसको आप कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं और कैसे अपने कन्फ्लिक्शन को, जो भी आपके कोलिजन आते हैं ट्रेड यूज करने पे, उसको कैसे रिमूव करते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इसको। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अभी दो ट्रेड बनाता हूँ, ठीक है। हमने दो ट्रेड डिफाइन किया, एक था ट्रेड फर्स्ट, एक मैंने बनाया, एक ट्रेड बनाता हूँ सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये मेरा एक दो ट्रेड हमने बना लिया, ठीक है। अब इन दो ट्रेड को मैं किसी एक क्लास में यूज कर लेता हूँ। मान लीजिए क्लास मैंने बनाया ABC, ठीक है। इसके अंदर मैं दोनों ट्रेड को यूज करता हूँ, फर्स्ट कॉमा सेकेंड। ठीक है, अब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं पेज को, आई होप कोई एरर नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब पे बात आती है, अभी तो इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं है, तो अभी तक तो कुछ भी शो नहीं कर रहा है। मान लीजिए इसमें अब फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन, मेथड डिफाइन करते हैं फर्स्ट स्टेट में टेस्ट नाम से, ठीक है। इसमें होगा, इसमें हम इको कराते हैं मेथड फ्रॉम फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। सेम यहाँ भी एक फंक्शन डिफाइन करते हैं या मेथड डिफाइन करते हैं, पब्लिक फंक्शन, जो कि सेम नेम से रखेंगे, जो फर्स्ट में है फंक्शन हमारा मेथड वही सेम, ठीक है। इसमें हम इको कराएंगे मेथड फ्रॉम सेकेंड ट्रेड, ठीक है। ये हो गया सेव। अब रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो अब देखिए यहाँ पे आपको फैटल एरर दिख रहा होगा, ट्रेड मेथड टेस्ट हैज नॉट बीन अप्लाइड बिकॉज दे आर कोलिजन्स विथ अदर ट्रेड मेथड ऑन ABC। मीन्स कि यहाँ पे ABC में हमने क्या, फर्स्ट मेथड को भी कॉल किया है ट्रेड के और सेकेंड को कॉल किया है। मीन्स कि ये पब्लिक फंक्शन जो है ट्रेड, जो कि फर्स्ट आप ट्रेड में देखे होंगे और सेकेंड ट्रेड में पब्लिक मेथड, दोनों सेम नेम है, दोनों को उठा के क्या करता है यहाँ पे रख देता है। ट्रेड का काम क्या है कि ट्रेड में जो भी आपने फंक्शन डिफाइन किए वो यहाँ पे एज इट इज आपको क्लास ABC में रख देगा, जैसे कि इनहेरिटेंस हम यूज करते थे बिल्कुल वैसा है। तो अब यहाँ पे दोनों सेम नेम से हैं, टेस्ट फंक्शन, यहाँ भी टेस्ट फंक्शन। तो ये अब ये क्या, यहाँ कन्फ्यूजन हो गया कि अब इसमें नाम तो दोनों सेम है, तो अब कॉल किसको कराए, फर्स्ट ट्रेड को कॉल कराए या सेकेंड ट्रेड को मेथड को कॉल कराया। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन हुआ, यानी कि कन्फ्लिक्शन हुआ और यहाँ पे हमें एरर आ गया, ठीक है। तो चलते हैं अब इसको रिमूव कैसे करते हैं। तो दोस्तों, PHP 5.4 में एक नया फीचर आया है, जिसमें आप यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं, यूज फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ, जैसे हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ का एक नया इस तरह से फंक्शन आया हुआ है, जिस फंक्शन के या फिर मतलब मेथड आप डिफाइन करने का तरीका, जिससे आप इस कोलिजन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा क्या है फर्स्ट मेथड, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे फर्स्ट, फिर रेजोल्यूशन ऑपरेटर और इसमें टेस्ट फंक्शन, जो हमारा टेस्ट इंस्टेड ऑफ सेकेंड, सेव किया हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं पेज रिफ्रेश करके, तो अब देखिए यहाँ पे जो एरर था वो यहाँ से रिमूव हो गया, मीन्स कि अब यहाँ पे कोड कन्फ्लिक्शन जो था वो रिमूव हो गया। तो अब चलते हैं कॉल कराते हैं, ऑब्जेक्ट तो हमने ऑलरेडी बना रखा है,
और ऑब्जेक्ट से वैल्यू कॉल फंक्शन मेथड को कॉल कराते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट फंक्शन कॉल कराते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। तब यहाँ पे देखिए आ गया मेथड फ्रॉम फर्स्ट रेट, मतलब कि आपने अब यहाँ पे क्या दिखाया कि फर्स्ट का जो टेस्ट फंक्शन है वो कॉल होगा, ना कि सेकेंड का, सेकेंड की जगह फर्स्ट वाले का। तो मतलब सेकेंड वाले में जो टेस्ट फंक्शन है इसको क्या करेगा, एक तरह से उस टाइम स्किप कर देगा। तो अब जो हमारा फंक्शन कॉल होगा फर्स्ट का होगा, और यहाँ पे जो मैसेज हो मेथड फ्रॉम फर्स्ट ट्रेड वो यहाँ पे आपको प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहीं पे आप ये भी कर सकते हैं सेकेंड इंस्टेड ऑफ फर्स्ट, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ क्या सेकेंड, अच्छा सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया, अच्छा सेकेंड सेव किया हमने। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आगे मेथड फ्रॉम सेकेंड ट्रेड, मीन्स कि अब ये आप फंक्शन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ का यूज करके। लेकिन मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपको दोनों फंक्शन यूज करना है, फर्स्ट ट्रेड का भी यूज करना है और सेकेंड ट्रेड का भी मेथड को यूज करना है, तो अब उसे कॉल कर सकते हैं। दोनों को कैसे एक साथ कॉल करेंगे, उसे कॉल करने के लिए तो एक और इसमें है मेथड जो कि आया है यूज करने के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेस्ट एज, एज यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया है एज का, जिसके आप यूज कर सकते हैं, टेस्ट न्यू ऐसे हम लिख देंगे। तो अब क्या होगा कि जो फर्स्ट का जो टेस्ट फंक्शन है, जो भी आपका फंक्शन है, उसका नाम अब चेंज होकर क्या हो गया, टेस्ट न्यू हो गया। एज कीवर्ड यूज करते ही उसका नाम हो गया टेस्ट न्यू। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं टेस्ट का, इसकी जगह अब टेस्ट न्यू अगर लिख देते हैं, सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो अब देखिए आ गया मेथड फ्रॉम फर्स्ट ट्रेड, मतलब कि अब हमने फर्स्ट ट्रेड के जो टेस्ट फंक्शन था उसका नाम हम चेंज करके एज करके हम यहाँ पे नया नाम दे दिए। तो अब हम उसको न्यू नेम से कॉल करा के हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, मीन्स कि अब हम दोनों फर्स्ट ट्रेड और सेकेंड ट्रेड दोनों ट्रेड के फंक्शन को एक साथ किसी भी क्लास में या किसी भी चाइल्ड क्लास हो या पेरेंट क्लास में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो कन्फ्लिक्शन आया हमारे ट्रेड के अंदर, जो फर्स्ट ट्रेड और सेकेंड ट्रेड में सेम फंक्शन नाम से, वो कन्फ्लिक्शन को आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं। एक तो इंस्टेड ऑफ यूज कर सकते हैं और दूसरा एज यूज करके आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं फंक्शन का। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रेड के कन्फ्लिक्शन को दूर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। आई होप आपको ये चीज़ कन्फ्लिक्शन जो ट्रेड में है वो समझ में आई होगी, और अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम है आपको समझने में, कोई दिक्कत आ रही है, कोई ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।